हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस कवर्ड। वो कह रहे हैं एक टैक्सी चार्जेस जो सिटी में जो चलती है, तो वो उसका फिक्स चार्ज है, और जो चार्ज जितना वो एक्स्ट्रा जितना चलती है उसके लिए अलग से, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है उसके लिए अलग से है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। पहले 10 किलोमीटर अगर वो चलती है तो पे करना पड़ता है ₹105। एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। और अगर वो 15 किलोमीटर जाते हैं तो उन्हें चार्ज पे करना पड़ता है ₹155। वट आर द फिक्स चार्जेस चार्जेस पर किलोमीटर। आपको फिक्स चार्जेस बताना है, पर किलोमीटर कितना चार्ज लगता है वो भी बताना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन जो है वो कितना पे करेगा अगर वो 25 किलोमीटर जाता है, तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। लेट फिक्स चार्जेस ₹X और रनिंग चार्ज जो है वो हमारा Y है। अब उसने क्या बोला है कि अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसे ₹105 पे करने पड़ते हैं, जो हमारा फिक्स चार्ज है। एक तो वो हो गया, प्लस में रनिंग चार्ज कितना है यहाँ पर 10, और रनिंग चार्ज का आपके पास Y है, वो 10 किलोमीटर चला है तो 10 मल्टीपल में Y, तो उसे पे करना पड़ रहा है 105। तो यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं। X इज इक्वल टू 105 माइनस में 10Y। ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वो क्या कह रहे हैं, अगर वो 15 किलोमीटर चलते हैं तो उन्हें पे करना पड़ता है ₹155। तो देखिए फिक्स चार्ज हमारे पास X प्लस में 15Y इज इक्वल टू 155। तो पुट द वैल्यू ऑफ X, यहाँ पर X की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 105 माइनस में 10Y प्लस में ये 15Y इज इक्वल टू 155। तो 15 वहाँ ले जाते हैं, माइनस 10Y प्लस में 15Y इज इक्वल टू 155। इसको उधर ले गए तो माइनस में 105। तो अब प्लस माइनस यहाँ से हम करेंगे, तो 15 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5Y, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर 15 है वो पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50। अब Y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 50 अपॉन में 5, तो Y की वैल्यू आ गई आपके पास ₹10। अब पुट द वैल्यू ऑफ Y, फर्स्ट इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास X इज इक्वल टू 105 माइनस में 10Y, तो X इज इक्वल टू 105 माइनस में 10 मल्टीपल Y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई है, तो X इज इक्वल टू 105 माइनस में 100, तो X इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। तो देखिए बच्चे, X की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और Y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो फिक्स चार्ज भी हमें पता लग गया और पर किलोमीटर भी हमें पता चल गया है। अब उसने कहा है कि वो कितना पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो हम लिख लेते हैं 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड। इतना डिस्टेंस जब कवर्ड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 25 किलोमीटर है तो X प्लस में 25Y, ये हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए बच्चे, X प्लस में 25Y है हमारे पास, तो X की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 है, प्लस में 25 मल्टीपल में Y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, 5 प्लस में 250 इज इक्वल टू 255। जब 25 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमें पे करना पड़ता है ₹255। अब हम आगे चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ पार्ट देखिए,
if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. एक फ्रैक्शन है, अगर हम उसमें 2 ऐड कर देते हैं, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है. इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड करते हैं बोथ दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 5/6, तो 5/6 बन जाता है. फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन निकालना है. तो हम कैसे कर सकते हैं इसमें, देखिए बच्चे इसका फिफ्थ पार्ट, लेट द फ्रैक्शन बी, हम मान लेते हैं फ्रैक्शन यहाँ पर क्या है, एक्स अपॉन में वाई. ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं अगर टू बोथ ऐड किया जाता है तो हम कर देते हैं एक्स प्लस टू, हमने ऊपर न्यूमरेटर में भी टू ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी टू ऐड कर दिया, क्योंकि फ्रैक्शन हमारा ये न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, दोनों में हमने टू ऐड कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 9/11. यहाँ से हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल में 11 लिखकर ये फर्स्ट वाला ऊपर जो लिखा है ये पूरा प्लस इज इक्वल टू 9 लिखकर ये y प्लस में 2, तो 11x प्लस में 22, 9y प्लस में 18, तो 11x प्लस में 9, ये 9y यहाँ प्लस का इधर ले आते हैं तो ये हमारा माइनस का 9y 18, ये 22 प्लस का इधर आकर माइनस का 22, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हमारी 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस में 4. अब देखिए इसकी सेकंड इक्वेशन क्या कहते हैं, अगर हम फ्रैक्शन में बोथ 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन हो जाता है 5/6, तो हमारा है एक्स अपॉन वाई है, हम बोथ दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं प्लस 3 वाई 3, तो हमारे पास बच गया आ गया है हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो 5/6 बन गया है. यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो 6 लिखकर पूरा होल ये सारा x प्लस में 3, यहाँ पर 5 लिखकर y प्लस में 3 मल्टीपल कर देते हैं, 6x प्लस में 18, 5y प्लस में 15, तो 6x ये 5y प्लस का इधर आकर माइनस हो गया है, 15 18 उधर जाकर माइनस हो गया, तो 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस 3. यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की, 6x माइनस 3, 5y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5y, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस में 5y अपॉन में 6, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, और जो हमारी लास्ट में हुई थी यहाँ पर बचिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या थी हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 11x की वैल्यू हमारे पास ये है पूरी माइनस 3 प्लस में 5y अपॉन में 6 माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस में 4. तो बच्चे देखिए मुझे 6 अगर ख़त्म करना है तो मैं होल इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 मल्टीपल में 11 माइनस 3 प्लस में 5y अपॉन में 6 माइनस में 9y मल्टीपल में 6 माइनस में 4 मल्टीपल में 6. ठीक है बच्चे, देखिए स्टार्टिंग में ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, कैंसिल आउट हो गया. अब 11 को हम अंदर मल्टीपल कर देते हैं, 11 3 जा माइनस में 33 प्लस में 11 5 जा 55y माइनस में 6 9 जा 54y 6 4 जा माइनस में 24. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस का 33 है उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा 55y माइनस में 54y इज इक्वल टू माइनस में 24 प्लस में 33. 55 में से 54 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ y बचेगा, 33 में से 24 माइनस कर दोगे
तो आपके पास 9 आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू -3 प्लस में 5y अपॉन में 6। तो -3 प्लस में 5y की वैल्यू हमारे पास 9 है अपॉन में 6। -3 प्लस में 5 9 जा 45 अपॉन में 6। 45 में से 3 माइनस कर दोगे बच्चे तो आपके पास आ जाएगा 42 अपॉन में 6। 6 1 जा 6 6 7 जा 42। तो ये आ गए, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा गया था, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 7, और y की वैल्यू है हमारे पास 9। तो फ्रैक्शन बिकम्स इज इक्वल टू 7 अपॉन में 9। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।